स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है, यह भी बताना है। तो सबसे पहले तो शक्ति संतुलन का परिभाषा मैं आपके सामने देता हूँ। शक्ति संतुलन का अर्थ है किसी भी देश को इतना शक्तिशाली होना, यानी कि मजबूत होना है। और मजबूत होने के लिए आपको सैन्य तौर पर मजबूत होना चाहिए, आपके पास हथियार होना चाहिए, आपके पास सैनिक क्षमता होना चाहिए, ठीक है। युद्ध अभ्यास भी इसके लिए किया जाते हैं। तो इसे कहते हैं इतना शक्तिशाली, यानी किसी शक्ति संतुलन किसी भी देश को इतना शक्तिशाली नहीं बनने दिया जाए कि वह दूसरे की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, ठीक है ना। तो खुद को ही ज्यादा शक्तिशाली बनाइएगा तो दूसरा कोई शक्तिशाली बन ही नहीं सकता है। जैसे कि अपना प्यारा देश भारत है और भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हमारे सामने इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है कि जो है हमारे लिए खतरा बन जाए। वो हमारे लिए कभी भी खतरा नहीं बन सकता है क्योंकि वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, किसी भी दूसरे देश को उतना शक्तिशाली बनने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम उससे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे तो वो बन नहीं पाएगा। तो ये चीज हो गया, ठीक है। इसे ही शक्ति संतुलन कहते हैं। अब शक्ति संतुलन को बनाए रखने का तरीका क्या है, क्या तरीका हो सकता है, यहाँ पर वही बताया जाएगा। किसी भी देश के लिए शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति को बढ़ाना है, अपने सेना को बढ़ाना पड़ेगा, इस अति आवश्यक है। लेकिन आर्थिक प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी भी मजबूत करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सैन्य शक्ति का ये क्या है, आधार है। अब फैक्ट्री से क्या होगा, फैक्ट्री में आप नए नए हथियार बना सकेंगे। प्रत्येक देश एक दूसरे से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत ज्यादा क्या होता है, संवेदनशील रहता है। अगर पड़ोसी देश का शक्ति बढ़ता है तो खुद ब खुद आपको अपनी शक्ति बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये होता है शक्ति संतुलन और इसे कैसे कायम कर सकता है, इसका उपाय। तो ये था आपके सवाल का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।